जिस कंसिस्टेंसी से अभी पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें पूरा कर रहे हो, बीच बीच में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आएंगे। एग्जैक्टली हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, थोड़े बहुत बहुत कभी आप आलस करोगे, कभी किसी वजह से दिक्कत आएगा, लेकिन अगर गिरते उठते संभलते चलते रहना साल भर, तो एग्जैक्टली तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इंसान बन जाओगे यार। तब से तुम लगातार पढ़ रहे हो, सुबह से ही लगातार पढ़ रहे हो भाई साहब, बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो भाई। सच में अगर सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो आसान काम नहीं है। दूसरी बात यार, मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। सुबह से 8:30 बजे से मैं उठा, मैं सोचा आज मेरी क्लास है, तो पता चला कि नहीं, क्लास तो थर्ड है। अब उस समय से मैं वेट करते 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 थक गया यार, इम्तहान की घड़ी हो गई, और तब से तुम लगातार पढ़ रहे हो, सुबह से ही लगातार पढ़ रहे हो भाई साहब, मतलब सैल्यूट है तुम्हें सच में। मतलब कई बार मैं मजाक करता हूं उसको तुम सीरियस ले लेते हो, और कई बात मैं सीरियस बोलता हूं उसको तुम मजाक ले लेते हो, सच में सैल्यूट है तुम्हें, बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो भाई। सच में अगर सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो आसान काम नहीं है। बताओ यार, मतलब अभी तो 3री क्लास शुरू हुई है, 2 ही हुआ है, हर शाम होने वाला है लगभग लगभग, कितना मेहनत करते हो यार तुम। लेकिन इसी कंसिस्टेंसी से, जिस कंसिस्टेंसी से अभी पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें पूरा कर रहे हो, बीच बीच में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आएंगे। एग्जैक्टली हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, थोड़े बहुत बहुत कभी आप आलस करोगे, कभी किसी वजह से दिक्कत आएगा, लेकिन अगर गिरते उठते संभलते चलते रहना साल भर, तो एग्जैक्टली तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इंसान बन जाओगे यार, तुम इंसान बन जाओगे। मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है इतने डेडिकेशन से लगातार इतना पढ़ाई करना, इतना संघर्ष करना, इतना पेन लेना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हाँ या ना में जवाब देना बस, जिनको लग रहा होगा इतना मेहनत तो पिछले 3-4 सालों में नहीं किया जितना अभी पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, तो 3-4 साल में तुम चोमू के चोमू ही रह गए थे, अभी 1 साल बाद जो तुम बनोगे ना, खुद पे यकीन नहीं होगा कि तुम क्या बन गए। और प्रोसेस को एंजॉय करो, हमेशा गोल पे फोकस मत रहो, सब कुछ रिजल्ट नहीं होता, प्रोसेस भी होता है। और इस प्रोसेस से जो एक बार गुजर गया ना, इतना पेन लेके इतना मेहनत करके, भाई हीरा बन जाओगे, समझ गए। एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड रखो। कई बार बहुत छोटे छोटे डाउट पे मैं तुम्हें डांट देता हूं, तो बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए और धमकी भी आए कि आप बेइज्जती कर देते हो। देखो, पहली बात तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी समझने की कोशिश करो, हमें बोल देता हूँ, कभी सीरियसली बोल देता हूँ, लेकिन उसको मजाक की तरह लो, क्योंकि मेरे दिल में सच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम स्पैम करोगे और चीजों को मजाक की तरह लोगे तो बेटा गलत है। दूसरी बात, अगर ज्यादा बेइज्जती हो जाए तो उसको लर्निंग एटीट्यूड से एक्सेप्ट करो और मेहनत करके आगे बढ़ो ना, चैलेंज लो ना। सच बोलना कब से गलत हो गया, मैं सच बता रहा हूं। मतलब कई बार मैं कहता हूं यार, इतना कॉम्पिटिशन है, तुम ऐसे ऐसे छोटे डाउट पूछोगे, पूछो, लेकिन तुम 4/2 2 कैसे हुआ, तो ये तो भाई जस्टिफाइड नहीं है ना, इसमें तो डांट खाना बनता भी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये इंजीनियर कैसे लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, मैं इंजीनियर नहीं हूं। हाँ, मैं डॉक्टर जरूर हूं, PhD किया है मैंने फिजिक्स में, तो अब डॉक्टर लिख सकते हैं लेकिन इंजीनियर नहीं लिख सकते, ठीक है। वो एक बार PPT बन गया, उसी पे छाप के भेज देते हैं, इसीलिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है।